वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शिजु प्रोडक्शंस। आज की ये वीडियो एक बहुत ही सीरियस अवेयरनेस वीडियो है जिसका टॉपिक है कोरोना वायरस। इस वीडियो का सीन ऐसे बना कि वन ऑफ माय फ्रेंड जिशी आस्क्ड मी टू मेक एन अवेयरनेस वीडियो ऑन कोरोना वायरस। मैं तो उसको बोल दिया भाई कि मैं सीरियस नहीं हो सकता, मैं कोई सीरियस वीडियो नहीं बना सकता। एंड ही सेड के यार लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से, लोग मर रहे हैं और तू एक वीडियो नहीं बना सकता। और इस स्टेटमेंट ने मेरी आंखें खोल दी और मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने पर। लेकिन चूंकि मैं सीरियस नहीं हो सकता इसलिए मैंने दावत दिया डॉक्टर शिराज को। एंड ट्रस्ट मी, ही इज अ वेरी वेरी सीरियस पर्सन। तो पूछते हैं डॉक्टर शिराज से। जी डॉक्टर शिराज जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया। सो गाइस, सॉरी 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 सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन आप हाय गाइस से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर कैसे करूं? तो देवी और सचिन, बहुत ही घटिया और छिछोरा स्टार्ट है वैसे। आई नो सर, पर मेरा चैनल इंडियन सो। तो देवी और सज्जनों, सर सर सर, थोड़ा सा जोर से, मतलब थोड़ा सा हाथ को हिला के। तो देवी और सज्जनों, तो देवी और सज्जनों, आई एम डॉक्टर शिराज। क्या वाकई डॉक्टर है? ये कैसा सवाल है? नहीं सर वो, सॉरी, आपने एक्चुअली लैब कोट नहीं पहना वाला। तो नहीं, मैं यहाँ पे मजाक करने आया हूँ, क्या आपको ये नजर नहीं आता? आप मुझे पहले बता दे, क्या आपने मुझे के लिए बुलाया? सॉरी सर, आप तो जज्बाती होंगे, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी तो मैं कह रहा था कि कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है जिसका स्टार्ट दिसंबर 2019 चाइना की एक सिटी वुहान से हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता जा रहा है। सर तो ये फैलता कैसे? जी ये ऐसे फैल रहा है कि फर्ज करें मुझे अभी कोरोना सॉरी तो अब फर्ज करें कि मुझे अभी कोरोना और मैं खांसा हूँ तो ये आपको भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? नहीं आप फर्ज करें। नहीं मैं फर्ज भी नहीं करना चाहता। अच्छा आपको नहीं सही तो ये यहाँ पे कैमरामैन मौजूद हैं, इनको हो जाएगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपको फर्ज करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये वायरस ऐसे फैलता है। ऐसा मतलब ये हवा में होता है? इसकी लाइफ डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, जैसे कि हवा में इसकी लाइफ सिर्फ 3 घंटे है। इसके अलावा कॉपर पे ये 3 घंटे तक रहता है और कार्डबोर्ड मतलब ये जो आपके गत्ते वगैरह हैं इस पे ये 4 घंटे तक रहता है और ये जो आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं इस पे ये 3 दिन तक रहता है। मेरा एक दोस्त है चाइना में, ही सेड के कोरोना वायरस ज्यादा फैलने की वजह ही यही है कि जो लिफ्ट में बटन लगा होता है उसके थ्रू कोरोना वायरस फैलता है। मतलब अगर फर्ज करें एक बंदा इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसने वो बटन प्रेस किया और जो दूसरा बंदा है उसने भी अगर वो बटन प्रेस किया तो वो कोरोना वायरस उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा। इवन के चाइना में तो उन्होंने टिश्यू बॉक्सेस लगा दिए साथ के, आप टिश्यू यूज करें। जी आपने लिफ्ट की बात किया तो उससे मेरे जहन में एक हमारे पाकिस्तानी भाई आए हैं, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि जो कोरोना को जला देता है। तो वीडियो जरा मुलाहिजा फरमाइए। कोरोना वायरस आ गया है तो इसके लिए हमने ये एक डिवाइस बनाया जिससे जरासीम ना लगे। ये देखो भाई, बटन दबाया, कोरोना का जरासीम इस पे आ गया, साला को जला के रख दिया। देखा भाई कोरोना का इलाज, ये जला दिया साला को। क्या बात है भाई। सर खैर आप हमें बताइए कि क्या सिम्टम्स हैं कोरोना के? जी ये कोरोना वायरस एकदम से इसका नहीं पता चलता, 14 दिन बाद आपको इसका पता चलता है और इसके सिम्टम्स उसमें खांसी आ जाती है, बुखार आ जाता है, सांस अगर आपको मुश्किल से आ रही है तो ये भी एक कोरोना वायरस का सिम्टम। और क्या क्या हिदायत है कोरोना से बचने के लिए जो आप हमारी आवाम को देना चाहेंगे? हमारे देशियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। मतलब के हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर चीज को चैलेंज समझते हैं। मतलब हमें जिस चीज से रोका जाता है हम जरूर उसी में कोई ना कोई पंगा लेते हैं। मतलब पूरी हुकूमत ने जो छुट्टियां दी हैं वो इसलिए दी हैं कि हम घर में महफूज रहें और ये सिर्फ मतलब हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी यहाँ घूमने को जा रहे हैं कभी वहां घूमने को जा रहे हैं, तो इसमें गलती हमारी अपनी भी है। और बाकी छोड़े, हमारे जो देसी हजरात हैं वो तो मीम्स पे मीम्स बनाए जा रहे हैं कोरोना पे। मेरा ख्याल है आपने भी कोई एक फजूल सी वीडियो बनाई थी इस पे। हाँ जी, और लिंक भी आपने यकीनन डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। जी बिल्कुल।
तो जाके देखना यार वो वाली भी। थैंक यू सर। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया एहतियात, तो एहतियात में क्या क्या शामिल है कोरोना से बचने के लिए? एहतियात में सबसे पहले हाथ धोना है, कम से कम 20 सेकंड तक जो है आपको हाथ धोने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हैंडशेक करने से, गले मिलने से गुरेज फरमाए, दूर से ही बस सलूट ठोक के और सलाम अलैकुम, दूर दूर से ही मतलब आप, और कोशिश करें कि गर्म चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें, आप लोग गरारे करें और अपने फेस को जो है वो आप कवर करें। अब यहाँ पे हजरात आ जाएंगे कि जब भाई कोरोना वायरस लिखा होगा, जब मौत लिखी होगी आ जाएगी, तो भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप 20 मंजिला बिल्डिंग से जंप मारें या फिर एक ब्रेक फेल गाड़ी को आप जीटी रोड पे निकाल लें और बोलें बस जो होगा देखी जाएगी। तो कुछ एहतियात खुद भी करनी होती है। हमारी हुकूमत तो बहुत कोशिश कर रही है, मतलब उन्होंने शादी हॉल बंद कर दिए, सैलून्स बंद कर दिए। अब हमारी हुकूमत आप लोग को बांध के तो नहीं रख सकती ना, आप लोगों ने खुद भी थोड़ी सी एहतियात करनी है। बस आप लोग कोशिश करें कि जहां पे ज्यादा रश हो वहां से थोड़ा दूर रहें और घर में यार चिल करें। आपको मौका दिया गया है, एक इसमें आप ये समझ लें कि ब्रेक है, दुनिया के जितने भी आपकी मुश्किलात जो भी चल रहा है उस सब से एक ब्रेक है। आपको सोचने का मौका दिया गया है कि आपने लाइफ में आगे करना क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचें आपने जिंदगी में करना क्या है और इस टाइम को एंजॉय करें यार घर में। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, काफी सारे लोग इससे रिकवर भी हुए हैं। इटली में 4,000+4,020 रिकवर हुए इससे। और हाँ, ये जो हमारे देसी इलाज हैं जैसे कि प्याज खाना और गौमूत्र और गोबर लगाना, और जो हमारे कोई हकीम साहब भी मशहूर हुए हैं कि शर्तिया इलाज किया जाता है, तो भाई खुदारा इससे गुरेज करो, ये कुछ भी नहीं है। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उनको बताएं और उस पे अमल करें। वैसे ये हमारे गुनाहों का ही नतीजा है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया कि उसकी मेरे पास ट्रांसलेशन वीडियो पड़ी है पूरी, मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा। हम उनको कयामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे, शायद वो हमारी तरफ लौट आए। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं। देख लें, आप पीछे कोई बात रह जाती है। मैं कोई बड़ा मौलवी नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि यार कोरोना से मत डरो, अल्लाह से डरो। कोरोना से डर, कोरोना ने फिर भी तुम पे हमला करना है, लेकिन तुम जब अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह रहम करने वाली जात है। तो मेरे ख्याल से तो हम मुसलमान भाइयों को वैसे भी मौत का डर तो है नहीं, मौत तो हमारे यकीन है कि मौत एक ना एक दिन आनी है। हमें डर है मौत के बाद वाली जिंदगी का, क्योंकि आप और मैं हम अपने अमालों को जानते हैं कि कैसे अमाल हैं हमारे। तो बेहतरी इसी में है कि अमालों को बेहतर किया जाए, नमाज अदा की जाए। तो नाज़रीन, इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इतनी सीरियस बातें यार मैं तो नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया यहाँ पर। अलबत्ता आप डॉक्टर लग तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी अभी तशरीफ आप ही का शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसे दे मेरे। ये सीन काट करते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पैसे निकाल मेरे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। पैसे दे मेरे।